आज हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने, ये कर रहे हैं मेरा वेट। ये रोड है, नाइट का टाइम है। ये भाई जमशेद कब्रिस्तान से मैंने इनका तलक है सियाल। इससे पहले की वीडियो थी वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, आप वो वीडियो जरूर देखना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। मैं भी वही वीडियो देख के इस भाई को मिला हूँ, फैसल भाई को। ये भाई यूके से मेरी वीडियो देख के आया है। कैसे था भाई? जी बिल्कुल, फैसल ने जो ब्लॉग शुरू किए मैंने देखे तो मैंने कहा यूके छोड़ो, फैसल के पास जाओ ऑस्ट्रेलिया। अस्सलाम वालेकुम, तो आज मैं एक आया हूँ न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने, तो आपको भी जाके दिखाते हैं। ये रही सामने गाड़ी, ये कर रहे हैं मेरा वेट। तो अब चलते हैं और इधर से वो खाना खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं स्टेडियम में। इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहें। ये गाड़ी निकाल ली है, ये चारों दोस्त चलते हैं फिर। ये रोड है, नाइट का टाइम है। आई थिंक वो कार क्या टाइम हुआ है मैं एग्जैक्ट बताता हूँ भाई को। 12:13 हो गए। ये वकार भाई हैं और ये अताब भाई हैं जो यूके से हैं। और आगे सिग्नल देखना एक सेकंड, और ये पीछे हैं वो, ये भाई जमशेद कब्रिस्तान से मैंने इनका तलक है सियाल। हेलो बड़ा गाल निकलनी यार, गाल निकलनी। ये है नाइट का टाइम, इधर ये रोड वर्क हो रहा है, ये आपके सामने है। ये अंकल जी खड़े हुए हैं और ये रोड वर्क नहीं हो रहा, मुझे लगता है कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। ऐसे है ना, जी इतनी खड़ी खंबे लगा रहे हैं, जब खंबे लगा रहे हैं तो इसके बाद ये सिग्नल जैसे ग्रीन होगा तो फिर क्रॉस होंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपको आगे की वीडियो में। इधर जो मोस्टली काम होता है तो वो नाइट को होता है। आई थिंक मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्योंकि दिन को ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से इन्होंने नाइट को ये रोड वर्क हो या इलेक्ट्रिसिटी का जो भी होता हो ये मोस्टली नाइट को ही करते हैं। और जो इससे पहले की वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, आप वो वीडियो ज़रूर देखना, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। मैं भी वही वीडियो देख के इस भाई को मिला हूँ, फैसल भाई को, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छे हैं, इनका अखलाक भी बहुत अच्छा है और इनकी वो वीडियो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो ये आए थे, ये भी हमारे क्लास फेलो थे और ये भाई यूके से मेरी वीडियो देख के आया है। कैसे था भाई? जी बिल्कुल, फैसल ने जो ब्लॉग शुरू किए मैंने देखे तो मैंने कहा यूके छोड़ो, फैसल के पास जाओ ऑस्ट्रेलिया। तो इंशाल्लाह आपको भी जरूर गाइड करेंगे और जुड़े। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं फिर आगे, जहाँ हम खाना खाने जा रहे हैं आपको रेस्टोरेंट भी दिखाएंगे और इंशाल्लाह आपको फिर खाना भी दिखाते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई मस्जिद हो लेकिन है चर्च। तो ये नाइट का टाइम है, अब हम जा रहे हैं फॉकनर में, इधर से ही खाना खाएंगे सुल्तान रेस्टोरेंट पे। तो आपको दिखाते हैं, ये फॉकनर में मोस्टली कम्युनिटी होती है पाकिस्तानियों की। ये सुल्तान रेस्टोरेंट आ गया जो फॉकनर में है, अगर आपने कभी आना हो तो इसका खाना हम टेस्ट करते हैं कैसे होता है। तो ये गाड़ी की पार्किंग है साइड पे, आपने इधर गाड़ी पार्क करना। ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है सुल्तान, ये भी रेस्टोरेंट पे आ गए तो ये खाना रेडी होगा। इधर से हमने खाना खाया, माशाल्लाह खाना बहुत ही प्यारा था। वकार भाई से पूछते हैं कैसा था खाना। बहुत टेस्टी था, मजा आ गया खा के। जमशेद भाई कैसा था खाना? माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और अताब भाई? वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। एक हमने व्हाइट कौरमा और चिकन कौरमा लिया था ना, उसकी वीडियो बनाना भूल गए, बाद में हमें पता चला। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके वकार साहब बैठे हैं तशरीफ, और घंटी के निशान को भी दबा दें। ओके इंशाल्लाह। तो ये रात का 2 का टाइम है, आपको वेरान नज़र आ रहा है, चारों तरफ कुछ भी नहीं है।